चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं लेक्चर 2 ऑफ आईबीसी। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की नीड क्या है, इसके आने का पर्पस क्या है। हमने प्रीवियस इंसॉल्वेंसी लॉज डिस्कस कर लिए थे। हमने ये डिस्कस कर लिया था कि आईबीसी के आने के बाद 11 लॉज में अमेंडमेंट हुई है और दो एक्ट तो रिपील ही हो गए। आज हम डिस्कस करते हैं कि इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है, बैंकरप्सी का मतलब क्या है और लिक्विडेशन का मतलब क्या है। इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये समझते हैं। क्या ये तीनों सेम है या तीनों अलग है? इंसॉल्वेंसी, सबसे पहले बात करते हैं इंसॉल्वेंसी की। इंसॉल्वेंसी एक ऐसी सिचुएशन है वेर अ पर्सन या कॉरपोरेट एंटिटी इज अनेबल टू रीपे इट्स डेट्स। ये जो अपनी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज है ना, उसको रीपे नहीं कर पा रहा कौन? इंडिविजुअल या कॉरपोरेट एंटिटी। अभी के लिए हम आसान भाषा के लिए इंडिविजुअल लेके चलते हैं कि इंडिविजुअल अपनी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी को रीपे नहीं कर पा रहा, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंसी। ऐसा नहीं है कि अगर बंदा इंसॉल्वेंट हुआ, ऐसा नहीं है बंदा इंसॉल्वेंट हुआ या फिर कंपनी इंसॉल्वेंट हुई तो उसका लिक्विडेशन हो ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी, इफ अ कंपनी इज इंसॉल्वेंट देन इट विल गो इनटू लिक्विडेशन। हो सकता है इस कंपनी का रिवाइवल हो जाए, इसका क्या रिवाइवल हो जाए, और हो सकता है इंडिविजुअल के पास कहीं से फंड्स का जुगाड़ हो जाए, हो सकता है उसकी सिचुएशन बेटर हो जाए, हो सकता है उसका कोई लॉस हुआ था और उसको कहीं से अब फायदा हो जाए, तो इंसॉल्वेंसी से बाहर भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो बैंकरप्ट हो जाएगा और ज़रूरी नहीं है कि कंपनी का लिक्विडेशन हो जाएगा। बैंकरप्सी क्या है? एक फॉर्मल डिक्लेरेशन है, एक लीगल डिक्लेरेशन है कि एक पर्सन अब इंसॉल्वेंट हो चुका है, या फिर ये एक लीगल डिक्लेरेशन है दैट अ पर्सन इज अनेबल टू रीपे हिज डेट्स। ये क्या एक लीगल डिक्लेरेशन है कि अब ये बंदा नहीं दे सकता, ये बंदा इंसॉल्वेंसी से बाहर नहीं आ पाए, उस बात की एक लीगल डिक्लेरेशन है। उसे क्या बोलते हैं? बैंकरप्सी। जो बैंकरप्सी डिक्लेयर हो जाती है उस बंदे को बैंकरप्ट बोलते हैं। लिक्विडेशन क्या है? अगर कंपनी रिवाइव नहीं हुई, अगर एक कंपनी लिक्विडेशन, पहले तो होता किसका है? कंपनी का, इंडिविजुअल का नहीं, इंडिविजुअल या फर्म का नहीं। अगर ये कंपनी रिवाइव नहीं हुई तो उसका लिक्विडेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो जाता है। ये लिक्विडेशन ऑर्डर पास कौन करता है? एनसीएलटी। पहले के टाइम पे बोलते थे लिक्विडेशन हो जाता है तो यहाँ पे क्या अपॉइंट होता है? एक ऑफिशियल लिक्विडेटर। आज के टाइम पे जब लिक्विडेशन हो जाता है तो उसमें आज भी यही है, एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है एज पर आईबीसी। उसमें क्या होता है कि ऑफिशियल लिक्विडेटर सेल ऑफ असेट्स करता है और रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी करता है आउट ऑफ प्रोसीड रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स। ये है इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी और लिक्विडेशन अगर एग्जाम में आए
तो आप लिख सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको अब नोट्स लिखवा देता हूँ, जल्दी से लिखिए। इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी और लिक्विडेशन। इंसॉल्वेंसी इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन और कॉर्पोरेट एंटिटी एनरोल कराना। इंसॉल्वेंसी इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन और कॉर्पोरेट एंटिटी इज अनेबल टू रीपे इट्स डेट्स। इंसॉल्वेंसी मे नॉट नेसेसरीली लीड टू बैंकरप्सी और लिक्विडेशन। जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी, तो आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ये बैंकरप्सी और लिक्विडेशन में बदल जाएगी इंसॉल्वेंसी। द फर्स्ट अटेम्प्ट आफ्टर इंसॉल्वेंसी इज टू रिवाइव। द फर्स्ट अटेम्प्ट आफ्टर इंसॉल्वेंसी इज टू रिवाइव। ये क्या है, एक तरीके से सिचुएशन है, यहाँ एक स्टेट है, इट इज अ स्टेट। और ये क्या है, एक लीगल डिक्लेरेशन। अगला लिखो बैंकरप्सी। बैंकरप्सी इज अ लीगल डिक्लेरेशन फुल स्टॉप व्हेन अ इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्मली डिक्लेयर्ड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एज इनकेपेबल टू रीपे द डेट्स देन दे आर टर्म्ड एज बैंकरप्ट। ये क्या है, एक फॉर्मल लीगल डिक्लेरेशन है। अगला है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप। आईबीसी में जिसको हम लिक्विडेशन बोलते हैं ना, कंपनीज एक्ट 2013 में, उसी को हम वाइंडिंग अप बोलते हैं, जो आईबीसी में जिसको लिक्विडेशन बोलते हैं। इज अ प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन इफ रिवाइवल इज नॉट पॉसिबल। ऑफिशियल लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड एंड ही रीपे द लाइबिलिटीज ऑफ क्रेडिटर्स आउट ऑफ द प्रोसीड रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं फाइव पिलर्स इन आईबीसी। कई लोग इसे फोर पिलर्स भी बोलते हैं, पर हम इसे फाइव पिलर्स बोलते हैं। पहला पिलर क्या है, आईबीबीआई। फर्स्ट पिलर क्या है, आईबीबीआई। इसके अंडर आता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या है, रेगुलेटर है आईबीसी में। देखो हर एक्ट में ना कोई रेगुलेटर होता है। हर एक्ट में कोई ना कोई क्या होता है, रेगुलेटर होता है। सिक्योरिटी लॉज में कौन रेगुलेटर है, हमारा सेबी। कंपटीशन एक्ट में कौन रेगुलेटर है, सीसीआई। आईबीसी में कौन रेगुलेटर है, आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके अंडर आता है हमारा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। आज के टाइम अभी तीन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है। आईसीएसआई की इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी है, आईसीएआई की है और आईसीएमएआई की है। ये क्या करते हैं ना, ये रेगुलेट करते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को, जो कि हमारा थर्ड पिलर है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। ये कौन होते हैं, सीएस, सीए, सीएमए, एडवोकेट। ये लोग क्या बन सकते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स बन सकते हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स बनने के लिए, अगर आपको भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना है, तो आपको एक 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस आपको एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का एग्जाम होता है।
ये पास करना पड़ेगा, और इसको पास करने के बाद आपको अपने आप को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के साथ एनरोल कराना होगा। क्या कराना होगा? एनरोल कराना होगा, और IBBI के साथ आपको रजिस्टर कराना होगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के साथ एनरोल कराना होगा और IBBI के साथ रजिस्टर कराना होगा, तो आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हैं। है फोर्थ पिलर है हमारा इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इसमें क्या होता है ना, एक रिपोजिटरी है, इसमें सारा डेटा स्टोर होता है, डेटा रिलेटेड टू क्रेडिटर को। मान लो क्रेडिटर को डिफॉल्ट के कोई डॉक्यूमेंट्स, किसी कॉरपोरेट डेटर ने, किसी कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या करेगा, ये सबसे पहले तो सबमिट कराएगा इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी इसको वेरीफाई करेगी और ये बात वेरीफाई करके NCLT को बताएगी कि ये डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। एक तरीके से रिपोजिटरी है, प्लस ये वेरीफाई करते हैं डॉक्यूमेंट्स को। पांचवा हमारा पिलर है, फिफ्थ पिलर है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो कि है NCLT, कंपनी और LLP के लिए NCLT और DRT, इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फॉर्म के लिए DRT। अगर कंपनी और LLP का हमें एक CIRP कराना है, कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कराना है, कंपनी और LLP को रिवाइव कराना है, तो कहाँ जाएगा मैटर? NCLT। इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फॉर्म के एप्लीकेशंस कहाँ जाएंगी? DRT। ये हमारे 5 पिलर्स हैं, ये हमारे क्या हैं? 5 पिलर्स हैं IBC के अंडर। IBBI हमारा रेगुलेटर है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी इनको रेगुलेट करती है, इनके वर्क को देखती है, इनको एनरोल करती है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में ये क्या करते हैं? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ये काम करते हैं इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी एक रिपोजिटरी है और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हमारे केस सुनती है IBC में। इसके बारे में नोट्स बना लेते हैं। IBBI इज एपेक्स बॉडी ensuring to promote transparency and governance, ensuring to promote transparency and governance in the administration of the code, plus IBBI regulations भी बनाती है, जैसे SEBI capital market and security laws की regulation बनाता है, यहाँ पे IBBI IBC में regulation बनाती है। IBBI is a regulator framing regulations, regulator framing the regulations for implementation of provisions of IBC, for implementation of provisions of IBC. IBBI provides accreditations, IBBI provide accreditations to insolvency professional agencies, to insolvency professionals and information utility. It has also been designated as authority under companies registered valuers and valuation rules 2017 for regulation and development of profession of valuers in the country. Next है हमारा insolvency professional agency।
दे आर प्रोफेशनल बॉडीज रजिस्टर्ड विद द IBBI. दे आर प्रोफेशनल बॉडीज रजिस्टर्ड विद IBBI फॉर प्रोमोटिंग एंड रेगुलेटिंग द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन. फॉर प्रोमोटिंग एंड रेगुलेटिंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल IPAs आर वेस्टेड विद पावर. IPA आर वेस्टेड विद पावर टू एनरोल एजुकेट मॉनिटर एंड रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हु आर एनरोल्ड एज इट्स प्रोफेशनल मेंबर्स. एज ऑफ नाउ देर आर 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज. उनका नाम लिख लो. ICSI की इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी का नाम है ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स. ICSI की ये पूरा नाम है IPA का. ICAI का है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ऑफ ICAI. कॉस्ट अकाउंटेंट्स का है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. थर्ड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ये IPA यहाँ जाएगी. ये तीनों इसके पॉइंट्स हैं. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आर इंडिविजुअल्स रजिस्टर्ड विद IBBI एंड एनरोल्ड विद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एक्ट एज इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. पहला इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, दूसरा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जिसको हम फाइनल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी बोल देते हैं. लिक्विडेटर, बैंकरप्सी ट्रस्टी इन दी कॉरपोरेट एंड इंडिविजुअल रेजोल्यूशन प्रोसेसेस. इसके बारे में और आगे आएगा. इन दी कॉरपोरेट एंड इंडिविजुअल रेजोल्यूशन प्रोसेसेस एंड देयर लिक्विडेशन और बैंकरप्सी प्रोसेसेस. नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी. These are centralized repositories of financial and credit information of borrowers. जिसने पैसा लिया है उसके बारे में credit information और financial information किसके पास होती है? IU के पास. They store the financial information of the borrower in the electronic form. IU validate the stored information as well as claim of creditors. Creditors जो claim करते हैं उनको verify, validate भी IU करता है. Claim of creditor with the borrowers. The maintaining of financial records of borrowers in electronic form eliminates delays and disputes when a default occurs. At present, there is only one registered IU, that is NESL, National E-Governance Services Limited. ये अभी एक IU है. Fifth pillar, adjudicating authorities. First is NCLT. NCLT constituted under Section 408 of Companies Act 2013.
सेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 इज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन ऑफ कॉरपोरेट पर्सन अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी लाइज विद एनसीएलटी लाइज बिफोर एनसीएलटी डीआरटी लिख लो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3(1) रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 इज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर द पर्पज ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड बैंकरप्सी ऑफ इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म्स अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डीआरटी लाइज बिफोर डीआरएटी डेट रिकवरी एपलेट ट्रिब्यूनल ये हो गए हमारे 5 pillars. अब हम देखते हैं कि आईबीसी का फ्रेमवर्क क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस कैसे है, कितने पार्ट्स हैं आईबीसी में. आईबीसी में फाइव पार्ट्स हैं. पार्ट वन बात करता है प्रीलिमिनरी. इसमें टोटल सिर्फ 3 ही सेक्शंस हैं, 1, 2 एंड 3. 3 सेक्शंस हैं इसमें. पार्ट टू बात करता है कॉर्पोरेट पर्सन के इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन. सेक्शन 4 to 77 डील करता है पार्ट टू से और लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन से. पार्ट थ्री बात करता है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड बैंकरप्सी फॉर इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म. सेक्शन 78 से सेक्शन 187 तक डील करता है पार्ट थ्री. पार्ट फोर बात करता है आईपीए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी IU, इनकी रेगुलेशन की बात और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के बारे में भी बात की गई है पार्ट फोर में सेक्शन 188 से 223 तक. पार्ट फाइव मिसलेनियस है. पार्ट फाइव क्या है? मिसलेनियस है. सेक्शन 224 से सेक्शन 255 तक
पार्ट फाइव है। टोटल सेक्शन, टोटल आईबीसी में 255 सेक्शंस हैं। आईबीसी में कितने सेक्शंस हैं टोटल? आईबीसी में टोटल 255 सेक्शंस हैं। और 11 शेड्यूल्स हैं। मैंने आपको बताया था कि 11 एक्ट्स में अमेंडमेंट आई थी आईबीसी की वजह से। वो 11 एक्ट्स के बारे में 11 शेड्यूल्स में ही दे रखा है। 255 सेक्शंस हैं और 11 शेड्यूल्स हैं। ऐसा फ्रेमवर्क है आईबीसी का। पार्ट वन बात करता है प्रिलिमिनरी की, पार्ट टू कॉर्पोरेट पर्सन के इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन और लिक्विडेशन के बारे में बात करता है, पार्ट थ्री बात करता है इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म के इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन और बैंकरप्सी के बारे में, पार्ट फोर हमारा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, इसके बारे में बात करता है, और पार्ट फाइव हमारा मिसलेनियस है। टोटल हमारे 255 सेक्शंस हैं। अब हम बात करते हैं कि आईबीसी में आईबीसी में कंपनी जाती कब है, आईबीसी में कंपनी जाती कब है? अगर किसी कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, किसी कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया 1 करोड़ का, पहले ही लिमिट 1 लाख थी, अभी अमेंडेड लिमिट क्या है, चेंज हो गई है लिमिट, 1 करोड़ हो गई है, 1 करोड़ का डिफॉल्ट कर दिया, क्रेडिटर की पेमेंट नहीं करी, क्रेडिटर की क्या करी, पेमेंट, रीपेमेंट नहीं करी, तो क्रेडिटर कहां जा सकता है? एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लगा सकता है, एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन लगा सकता है कि इस कंपनी ने या कॉरपोरेट डेटर ने, यहां पे हम कॉरपोरेट डेटर वर्ड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, कॉरपोरेट डेटर, तो इसके अगेंस्ट क्या जा सकता है, एनसीएलटी में जा सकता है, और एनसीएलटी में जाके क्या कह सकता है कि मेरा ये बंदा पैसे नहीं दे रहा, ये बंदे के पास पैसे नहीं है देने के लिए, इसका क्या करा दो, कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू करा दो। कॉरपोरेट मतलब कंपनी, इंसॉल्वेंसी मतलब ये अब इंसॉल्वेंट हो चुका है, इसके पास पैसे नहीं है देने के लिए, अभी हमने डिस्कस किया इंसॉल्वेंसी क्या होता है। रेजोल्यूशन मतलब इसको रिजॉल्व करवा दो, इसकी इंसॉल्वेंसी को इसको रिवाइव करवा दो, अगर ये रिवाइव नहीं होता है तो इसको लिक्विडेट करा के मेरे पैसे दिलवा देना, जो कि हमारा लिक्विडेशन प्रोसेस में आ जाता है। सीआईआरपी के बाद क्या शुरू हो जाता है, अगर रिवाइव नहीं हुई कंपनी तो लिक्विडेशन प्रोसेस। तो ये प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसीजर दे रखा है कि कैसे कैसे क्या होगा। सबसे पहले तो समझते हैं कि ये क्रेडिटर कौन है, कौन क्रेडिटर हो सकता है। आईबीसी में दो क्रेडिटर्स हैं, आईबीसी में दो क्रेडिटर्स हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर का मतलब अगर किसी बैंक ने लोन दे रखा है, अगर किसी ने बैंक ने लोन दे रखा है कंपनी को, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर की कैटेगरी में। ऑपरेशनल क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, अगर किसी ने गुड्स एंड सर्विसेज दिए हैं, क्या दिए हैं, गुड्स एंड सर्विसेज दिए हैं, गुड्स एंड सर्विसेज दिए हैं और कंपनी उसकी रिपेमेंट नहीं कर रही, तो किस कैटेगरी में आएगा वो ऑपरेशनल क्रेडिटर की कैटेगरी में आएगा। ऑपरेशनल क्रेडिटर की कैटेगरी में और कौन कौन आएगा ये देखते हैं। गुड्स दिए, सर्विसेज दी, अगर एम्प्लॉयज की आपने सैलरी नहीं दी ना, एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं दी, तो ये भी ऑपरेशनल क्रेडिटर की कैटेगरी में आते हैं।
अगर आपने गवर्नमेंट ड्यूज टैक्सेस पे नहीं किए तो ये भी एक तरीके से ऑपरेशनल डेट है, और ये भी एक तरीके से ऑपरेशनल डेट है ये, और ये भी किस कैटेगरी में आएंगे, ऑपरेशनल क्रेडिटर की कैटेगरी में। यहाँ पे क्या है, लोन, और क्या है यहाँ पे, अमाउंट रेस्ड फ्रॉम अलॉटीज, अमाउंट रेस्ड फ्रॉम अलॉटीज ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। ये भी क्या हो जाएंगे, फाइनेंशियल क्रेडिटर हो जाएंगे। आप कहोगे सर लोन का तो समझ आता है, अगर किसी बैंक ने कंपनी को लोन नहीं दिया, कंपनी को लोन दिया और कंपनी ने उस लोन को रीपे नहीं किया, तो ये तो समझ आता है कि ये फाइनेंशियल डेट है और ये फाइनेंशियल क्रेडिटर हो जाएगा। पर ये जो लिखा है अमाउंट रेज फ्रॉम अलॉटीज ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, ये नहीं समझ आया। देखो क्या है ना, आईबीसी के आने के बाद बहुत सी इंफ्रा कंपनीज पे आईबीसी का सीआईआरपी प्रोसेस शुरू हो गया। क्या होता है ना, ये जो बड़ी बड़ी इंफ्रा कंपनीज होती हैं, लोगों से पैसे ले लेती हैं और बोलती हैं कि आपको अगले 5 साल में पोजेशन दे देंगे हम आपके फ्लैट की, पर 5 साल 6 साल 10 साल 10-10 साल हो जाते हैं, लोगों को पोजेशन नहीं मिलती फ्लैट की। मान लो आपने किसी ऐसे ही बिल्डर के पास, इंफ्रा कंपनी के पास क्या किया, अपना एक फ्लैट बुक कराया, आपने कितना पैसा दिया, 1 करोड़। उस बिल्डर ने आपको क्या बोला कि जब तक आपके पास पोजेशन आएगी इसकी वैल्यू तो 5 करोड़ हो जाएगी। आपने इस चक्कर में बैंक से लोन ले लिया, आप रह किस घर में रहे हो, आप किराए के घर में रह रहे हो, आप एक तो ईएमआई पे कर रहे हो और दूसरा आप रेंट पे कर रहे हो, और 10 साल बाद भी आपको फ्लैट ना मिले तो कैसा लगेगा। ऐसा ही बहुत सारे होम बायर्स के साथ हुआ, और होम बायर्स, इनको क्या बोलते हैं, इनको भी फाइनेंशियल क्रेडिटर ट्रीट किया जाता है आईबीसी में, आईबीसी में एक अभी बता देता हूं एक चीज कि आईबीसी में क्या बोला गया है ना, सीआईआरपी प्रोसेस होता है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, जिसमें रिवाइवल की ट्राई करते हैं कि कोई और कंपनी आ जाए और इसको टेक ओवर कर ले, रेजोल्यूशन प्लान ले आए कोई कंपनी और जो कंपनी सीआईआरपी में गई है उसको रिवाइव कर ले। ये प्लान 180 दिन में, सीआईआरपी का मैक्सिमम पीरियड कितना है, 180 दिन में पूरा हो जाना चाहिए, लॉ में ये लिखा है, प्लस 90 डेज की एक्सटेंशन एनसीएलटी दे सकता है, 90 डेज की एक्सटेंशन एनसीएलटी दे सकता है, वो भी रीजंस देने पड़ेंगे कि क्यों दे रहा है। ये टोटल कितना हो गया, 270 दिन में, 270 डेज में ये सीआईआरपी प्रोसेस पूरा होना होता है। एक चीज और लिखी है लॉ में कि 60 डेज और मिलते हैं कि कोई स्टे लग गया, कोई सूट चल रहा है, कोई केस चल रहा है, सिर्फ उस केस में 60 डेज की और एक्स्ट्रा और मिलते हैं। ये प्रोसेस किसी भी हालत में 330 दिन से ज़्यादा नहीं चल सकता, ऐसा लॉ में लिखा है कि ये केस ये 330 दिन से ज़्यादा सीआईआरपी नहीं चल सकता। जेपी इंफ्रा को आप यकीन नहीं करेंगे, जेपी इंफ्रा के सीआईआरपी को 5 साल हो गए और ये 6ठा साल चल रहा है, अगस्त में ही 5 साल हो गए, अगस्त 2022 में जेपी इंफ्रा के केस को 5 साल हो गए और 6ठा साल चल रहा है, सीआईआरपी खत्म नहीं हुआ। जेपी इंफ्रा के केस में क्या हुआ, 30,000 होम बायर्स थे और जेपी इंफ्रा कहती कि हम क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, इनको पोजेशन नहीं मिली अपने फ्लैट की, अपना फ्लैट इनको देखने को नहीं मिला, और इन्होंने कितना अमाउंट, करोड़ों रुपया जेपी इंफ्रा के पास दे दिया था और इनको कोई फ्लैट ही नहीं मिला। 9 अगस्त 2017 इसका सीआईआरपी
शुरू हुआ था और आज हो गई 26 अगस्त 2022। 5 साल हो गए और छठा साल सिक्स्थ ईयर शुरू हो गया, पर इसका CIRP खत्म नहीं हो रहा। होम बायर्स को फाइनेंशियल क्रेडिटर बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इनका बहुत सारा पैसा करोड़ों रुपया। इनफैक्ट एक लेडी ने 2010 में एक फ्लैट बुक कराया, पैसे दिए, इनको बोला गया कि आपको 3-4 साल में पोजीशन मिल जाएगी। आज 2012 हो गया, 2022 हो गया, 12 साल हो गए। ये लेडी कहती है, एक तो मैं बैंक की EMI पे कर रही हूँ और मैं रेंट भी पे कर रही हूँ। जब मैंने ये बुकिंग कराई थी तो मेरी लड़की बहुत छोटी थी, आज उसकी पढ़ाई भी पूरी होगी, आज उसकी शादी की उम्र हो गई है, पर मेरे को अपना फ्लैट नहीं मिला। तो होम बायर्स को फाइनेंशियल क्रेडिटर बनाना बहुत ज़रूरी था इनके पैसे, ताकि रिकवर हो सके IBC के अंडर इनके पैसे क्या हो सके, रिकवर हो सके। छठा साल चल रहा है इसका और पता नहीं ये केस कब जाके खत्म होगा। ये है ऑपरेशनल क्रेडिटर और फाइनेंशियल क्रेडिटर के बारे में। अब हम इसके बारे में लिख लेते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन होता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होता है। अच्छा, एम्प्लॉयज, यहाँ पे एम्प्लॉयज की अगर आपने सैलरी नहीं दी ना, तो ये भी जा सकते हैं IBC के अंडर कि ये हमारा जो कॉरपोरेट डेटर है ये इंसॉल्वेंट हो गया और एज अ ऑपरेशनल क्रेडिटर उस कैटेगरी में अपना अमाउंट क्लेम कर सकते हैं। अगर कंपनी ने गवर्नमेंट टैक्सेस नहीं दिए, ड्यूज नहीं दिए, तो वो भी किस कैटेगरी में आएगी, ऑपरेशनल क्रेडिटर की कैटेगरी में। चलो लिखो एक चीज और, फाइनेंशियल क्रेडिटर सेक्शन 7 ऑफ IBC में NCLT को एप्लीकेशन लगा सकते हैं CIRP की, कि CIRP शुरू करो, हमारी एप्लीकेशन एडमिट करो। और ऑपरेशनल क्रेडिटर सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में, सेक्शन 8 रेड विद सेक्शन 9, इसमें NCLT को एप्लीकेशन लगा सकते हैं, ये लिख लेना। फाइनेंशियल क्रेडिटर के बारे में लिखो, फाइनेंशियल क्रेडिटर इज अ पर्सन टू हुम फाइनेंशियल डेट इज ओड। ऑपरेशनल क्रेडिटर के बारे में देखो, इज अ पर्सन टू हुम ऑपरेशनल डेट इज ओड। अब लिखो कॉरपोरेट डेटर कौन होता है। एक चीज और कि जो कॉरपोरेट डेटर होता है ना, ये सेक्शन 10 ऑफ IBC में NCLT को अप्लाई कर सकता है कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूँ, आई एम अनेबल टू रीपे माई डेट्स। कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी का कौन लगाएगा, MD लगा सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लगा सकते हैं, CEO लगा सकता है, CFO लगा सकता है, डायरेक्टर इन फाइनेंस वो लगा सकता है, एप्लीकेशन लगा सकता है NCLT को अंडर सेक्शन 10 ऑफ IBC की कंपनी क्या हो सकती है, इंसॉल्वेंट हो चुकी है और इसका CIRP शुरू करवा दो। कॉरपोरेट डेटर क्या है, हु ओस डेट टू एनी पर्सन। कॉरपोरेट डेटर का मतलब हु ओस डेट टू एनी पर्सन। अब आपको एक बेसिक सा आइडिया लग गया होगा कि इस IBC में हमें पढ़ना क्या है और आगे चीज़ें कैसे चलेंगी। अगली क्लास से हम शुरू करेंगे कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, और अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज का लेक्चर देखने के लिए थैंक यू, चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।